The municipal corporation of Gurugram is on the spree of taking over private and Huda colonies. It is likely to conduct a civic deficiency assessment survey in August in many privately developed colonies of Gurugram that they plan to take over from the private developers. Colonies like Sun City, Sushant Lok 1, 2 and 3, DLF Phase 1 to 5, Palab Bihar, South City 1 and 2, RD City and Nirvana Country are some of the prominent ones which already been taken over by the civic body. Hello and welcome to Property Matters. I am Neha Nagpal and today I have with me the Joint Commissioner of MCG, Mr. Hari Om Atri. He is here to share how the MCG can really help in developing the colonies, what are their plans of development and what all services the civic body provides. Welcome, sir. Thank you. How many private colonies has MCG taken over so far? हमने सन सिटी को टेक ओवर किया है, सुशांत लोक को टेक ओवर किया है, साउथ सिटी 1 को टेक ओवर किया है, साउथ सिटी 2 को टेक ओवर किया है। मैम, पहले हमने 6 प्राइवेट कॉलोनीज को टेक ओवर किया था। वो जो ये जो हमने टेक ओवर की है कॉलोनीज, हमने नगर निगम ने कार्य शुरू करवा दिया है। So which are the services that MCG will take over, sir? And what about the sewage and power and water? मैम, जैसे ही एमसीजी टेक ओवर कर लेती है किसी भी कॉलोनी को, बेसिक जो हमारी जरूरत है एज ए रेजिडेंट मैं बताता हूँ, चाहे वो पानी की है, पीने के पानी की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पार्क की है, चाहे सीवरेज की है, सभी जरूरत एमसीजी प्रोवाइड कराता है। जब हम कॉलोनी को टेक ओवर करते हैं उससे पहले कंपनी का पूरी कॉलोनी का सर्वे किया जाता है। सर्वे करवाने के बाद जो जो काम पेंडिंग्स होते हैं उसके लिए एस्टीमेट बना के कॉलोनी को बता दिया जाता है, भाई इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए के काम होंगे। या तो कॉलोनी वो काम करवा के हमें दे देती है या 50 करोड़ के एसेट्स हमें देती है, फिर हम उस कॉलोनी में काम करवाते हैं। तो ये फंड्स जो आप बात कर रहे हैं सर, ये फंड्स कौन प्रोवाइड करता है आपको? बिल्डर प्रोवाइड करता है जो कॉलोनी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सन सिटी को टेक ओवर किया था मैम, सन सिटी को टेक ओवर जैसे ही हमने किया उसमें हमारी जो टीम थी, सर्वे टीम थी, प्राइवेट कंपनी हम हायर करते हैं, उस टीम ने सर्वे जब किया था उसमें सभी काम तकरीबन हमें कंप्लीट मिले थे। उसके बाद हमने उसको टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर करने के बाद जैसे जैसे कॉलोनीज की तरफ से कोई आती है, चाहे रोड्स की है, चाहे एसटीपी की है, चाहे पार्क अपग्रेडेशन की है, हम उसमें काम करवाते हैं। टेक ओवर करने के बाद सारी जिम्मेवारी डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च होगा वो एमसीजी की है। हॉर्टिकल्चर विल आल्सो बी पार्ट ऑफ एमसीजीज सर्विस। जो कॉलोनी हमने टेक ओवर की है और जो हुड्डा का सेक्टर हमारे अंडर में आ गया है मैम, उन पार्कों को डेवलप करने की जिम्मेवारी हमारी है मैम एमसीजी की। ऐसी खबर भी आई थी कि पार्क जो है वो एमसीजी के अंडर नहीं होनी चाहिए, ये जो जो ये मुद्दा था, ये क्या मुद्दा था सर? नहीं मैम, कुछ आरडब्ल्यूएज की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, क्योंकि आरडब्ल्यूएज और एमसी अलग अलग दो यूनिट है। एमसीजी एमसी जो है वहाँ का जनप्रतिनिधि है, वो समय समय पर अपने वार्ड की बात उठाता रहता है, आरडब्ल्यूए अपने पार्कों के बारे में बताती रहती है। तो हमने कुछ पार्क आरडब्ल्यूए के हवाले किए हुए हैं, उनको पैसा हम देते हैं, डेवलप वो करते हैं। एंड अभी हमारे माननीय नगर निगम के जो कमिश्नर है विनय प्रताप सिंह ने एक लेटेस्ट ऑर्डर किए हैं, जो पार्क हमने आरडब्ल्यूए को दिए उनके अलावा जो पार्क बचे हुए हैं वो हम वार्ड कमेटी को देने जा रहे हैं सभी, और ऑर्डर भी हो चुके हैं और हमने कुछ एक के खाते भी खुलवा दिए हैं आरडब्ल्यूए के, हमारे एमसी का और हमारे एक एसडीओ का ज्वाइंट अकाउंट होगा बैंक में। सर, इस पार्क की मेंटेनेंस के अलावा आरडब्ल्यू के आपने और कौन कौन सी सर्विसेज हैंडओवर की हैं? फिलहाल तो हमने पार्क ही हैंडओवर किए हैं आरडब्ल्यू को। बेसिक अब मैं एक और बताना चाहूंगा, आरडब्ल्यू ने हमारे कोरोना के टाइम में काफी हेल्प की है, क्योंकि बेसिक वो कॉलोनी को जानते हैं, सारी कॉलोनी को, कोई भी हमारे ऑर्डर्स आते थे तुरंत हमने ग्रुप बनाया हुआ था, ग्रुप में डाल देते थे, वो आरडब्ल्यू हमारा पूरा सपोर्ट करती थी और हमें हेल्प करती थी कोरोना के बारे में हर नागरिक को जागरूक करने में। सर, ये जो प्रोसेस है टेकिंग ओवर का, चाहे हुडा आपको दे या जो अथॉरिटीज आपको देती हैं सर्विसेज टेक ओवर करने का, ये प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे हाउस की मीटिंग में कंसर्न जो जन प्रतिनिधि एमसी है, जो वार्ड पार्षद है वहाँ के, वो हमारे हाउस में बात उठाते हैं। कॉलोनी जो उदाहरण के तौर पर जैसे अभी बात उठाई गई आरडी सिटी की,
आरडीसीटी में जो बिल्डर है, जो कॉलोनाइजर है, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो हाउस में हम पास करते हैं भाई ये जो कॉलोनी है आरडीसीटी को टेक ओवर कर लिया जाए। हाउस को पास करने के बाद हम प्रस्ताव जो है डीटीसीपी डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजते हैं, वो प्रस्ताव जो है सरकार के सामने रखा जाता है भाई एमसीजी जी आरडीसीटी जो कॉलोनी है उसको टेक ओवर करना चाहती है, क्योंकि जो बेसिक जरूरत है वो कॉलोनाइजर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। उसमें सरकार ऑर्डर्स करती है, सरकार के ऑर्डर के बाद हमारे पास लेटर आता है, फिर हम एक प्राइवेट कंपनी से हमारी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो सर्वे करवाती है, सर्वे के बाद जो कमियां नजर आती है, जो डेफिशिएंसीज नजर आती है, उनका एस्टीमेट बनाया जाता है, फिर कॉलोनाइजर को बताया जाता है भाई हमें इसमें जो ठीक करने में कॉलोनी की सड़कें वो ठीक करवाने में इतने करोड़ रुपए लगेंगे, उसको बताया जाता है, तब वो हमें एसेट्स देता है भाई ये मेरे पास एसेट्स हैं, आप इनकी ऑक्शन करके इनसे जो पैसा आएगा वो करवा दीजिए, या मैं ये सारी बेसिक जो जरूरत है इनको पूरा करवा के आपको टेक हैंड ओवर कर दूंगा, ये मैम प्रोसेस है हमारे। सर इनिशिएट कौन करता है इसको? हमारे पार्षद या हम खुद इसको देखते हैं भाई, लोगों की जब भी शिकायतें आनी शुरू हो जाती है भाई हमें ये नहीं मिल रहा, हमें सड़कें ठीक नहीं है, हमारे पार्क अपग्रेड होने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, हमारा सीवर ठीक नहीं है, हमारा जो हमारा एसटीपी है वो नहीं चल रहा, इस तरह से या तो हम एमसीजी टेक वो करती है प्रोसेस चलाती है, हमारा पार्षद जो होता है वहाँ का पार्षद। सर वंस एमसीजी टेक्स ओवर द लोकेलिटी हु इज रिस्पांसिबल फॉर रजिस्टरिंग द प्लॉट और गिविंग द ओसी और सीसी सर्टिफिकेट टू द कंज्यूमर? मैम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो तहसील में तहसीलदार करता है, और जो नक्शा पास कराना है और ओसी लेना वो हुड्डा डिपार्टमेंट से ही लेना होता है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से। तो एमसीजी का जो रोल है वो लिमिटेड जो है, और एमसीजी का रोल जो है वो सर्विसेज पे है? बिल्कुल मैम, सर्विसेज प्रोवाइड एमसीजी करवाती है, चाहे सड़क हो, चाहे सीवर हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। The MCG's takeover is seen as a boost for Gurugram colonies as they have the necessary infrastructure and manpower to fix the civic crisis. However, still there are many parts of Gurugram which are seeing the immediate attention of this local body for maintenance. For them to see the light of development, we will have to wait and watch. I hope you like this review. If you have any query, you can write to me on my Twitter handle, which is @NehaNagpal. You can also follow me on Instagram and Facebook. You can send in your query in the comment section below this video as well. But don't forget to like and share this video and subscribe MBTV. Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and press the bell icon to get new videos.